दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जियो फोन का जो सिम है वो किसी भी स्मार्टफोन में कैसे यूज कर सकते हैं, और ये भी हम चेक करेंगे कि मतलब सिम वर्क करती है कि नहीं करती है। तो दोनों फोनों में यहाँ पे मेरे जियो की सिम है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, पहले प्लान दिखा देता हूँ दोनों फोनों का। इसमें भी जियो की सिम है तो इसका हम प्लान दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये माई जियो ऐप ओपन कर लिया, और इस जियो फोन में मैं आप माई जियो ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें भी हम माई जियो ऐप ओपन कर लिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा स्मार्टफोन है इसमें तो है 399 वाला प्लान, जिसमें हमें मिलता है 1.5 GB डेली। अभी थोड़ा ओपन हो रहा है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें है 399 वाला प्लान जो कि हमें 1.5 GB पर डे मिलता है। तो और हम देख लेते हैं अब जियो फोन में कौन सा है। तो आप लोग जियो फोन में भी देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है कि MRP है 99 रुपीज की है, और जो रिमेनिंग डाटा है 512 में से 417 MB बाकी है, जो कि रिन्यू दिखा रहा है 13 आवर के अंदर। तो हम देखेंगे सिम दोनों की सिम को एक्सचेंज करके कि इस जियो फोन की सिम स्मार्टफोन में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे चलिए मैं दोनों फोन की सिम को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पावर ऑफ कर दिया हमने इसको, और अब अपने स्मार्टफोन की सिम निकाल लेते हैं। तो ये है मेरे स्मार्टफोन की सिम, ये लोग देख सकते हैं आप लोग कि ये मेरे स्मार्टफोन की सिम है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम जियो फोन की जो सिम है उसको भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम जियो फोन की ये सिम निकाल रहे हैं। ये रही हमारी जियो फोन की सिम, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जियो फोन की जो सिम है तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ में जियो फोन की सिम है ये, और ये हमारे स्मार्टफोन की सिम है। इसमें हमारा 399 वाला प्लान है, इसमें हमारा 99 वाला MRP का प्लान है, जिसमें हमें 512 में मिलता है। तो हम सिम को एक्सचेंज कर देते हैं। अब हम जो कि हमारे स्मार्टफोन का सिम था अपने जियो फोन में डाल, इसको हम निकाल लेते हैं ये री, और इसको हम डाल देते हैं अपने जियो फोन में। तो हमने अपनी स्मार्टफोन की सिम जियो फोन में डाल दिया। अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ पावर ऑन। और जो कि जियो फोन का सिम था इसको हम अपने स्मार्टफोन में डाल देते हैं। तो ये मैंने सिम डाल दिया अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं अभी कि इसमें अभी नेटवर्क नहीं आया है, तो देखते हैं अभी नेटवर्क आता है कि नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जो जियो फोन की जो सिम थी उसको हमने स्मार्टफोन में डाला था, और यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया, और मैंने डाटा ऑन करा था तो डाटा भी ऑन दिखा रहा है। तो हम यूज़ करके देखते हैं कि डाटा हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे KB में कुछ स्पीड आ रही है 4673। तो और हम इसको ओपन करते जाते हैं, 33 हो गया, अब 50, मतलब इसका जो जियो फोन का जो सिम थी उसका डाटा तो हमारे स्मार्टफोन में वर्क कर रहा है। अब हमारे जो जियो फोन है इसमें भी देख लेते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन की सिम थी यानी 399 वाला प्लान था जिसमें, वो इसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं डाटा ऑन करके, यहाँ हमारा डाटा ऑन है, हम देख लेते हैं इसको यूट्यूब ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ हमने YouTube ओपन कर लिया, और ये भी मतलब अच्छी तरह से ओपन हो रहा है। तो मतलब जो हमारा जो सिम थे स्मार्टफोन का वो जियो फोन में काम कर रहा है, जो जियो फोन की सिम थी स्मार्टफोन में काम कर रही है। हम दोनों पे कॉलिंग करके देख लेते हैं कि कॉलिंग वगैरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं पहले अपने इस जियो फोन से अपने स्मार्टफोन में जो सिम थी उस पर कॉल करके देख लेता हूँ। तो ये मेरा नंबर है,
दोस्तों इस पे कॉल तो आ रही है, मतलब जो हमारी स्मार्टफोन वाली सिम थी वो इस जियो फोन में वर्क कर रही है और कॉल वगैरह और डाटा दोनों चल रहा है। हम जो स्मार्टफोन है इसमें जो जियो फोन की सिम डली हुई है इससे हम कॉल करके देख लेते हैं कि इसका मतलब कॉलिंग वगैरह वर्क कर रही कि नहीं कर रही। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन हमने हमें पता है कि हमारे सिम में जो जियो फोन की उसमें 99 वाला MRP है। मतलब यहाँ पे जो जियो फोन की सिम है वो सिर्फ डाटा यूज कर सकते हैं उसका, हम कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में डाल के, और जो कि स्मार्टफोन वाली सिम थी उसको जियो फोन में हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कई वीडियो ऐसी यूट्यूब पे देखी थी कि वो बता रहे थे कि जो जियो फोन का जो सिम है वो स्मार्टफोन में वर्क नहीं करता है तो डाटा वगैरह नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग को बताऊं कि जो जियो फोन का जो सिम है उसको आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हैं लेकिन केवल उसका डाटा यूज कर सकते हैं, उसका कॉलिंग नहीं यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।